न्यू मेवात के राजकीय शहीद राजा हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर जाने के पीछे इन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाना बताया जा रहा है। इस महंगाई के दौर में इन कर्मचारियों को तकरीबन 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते इनके सामने घर चलाने की मुश्किल आ गई और इन कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया। वहीं सोमवार से हड़ताल पर गए कर्मचारियों की वजह से मेडिकल कॉलेज में भी कामकाज पर इसका असर दिखाई दिया। वहीं कर्मचारियों के मुताबिक 2 महीने का वेतन ऑस्कर कंपनी, जिसके पास उनका टेंडर था, और अब उनकी मौजूदा कंपनी जिनके पास उनका ठेका है, उन पर भी 1 महीने का वेतन उनका बकाया है। उन्होंने कहा कि निदेशक से लेकर एमएस ऑफिस में कर्मचारी वेतन के लिए बार बार धक्के खा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं की गई और आज कर्मचारियों को वेतन को लेकर हड़ताल करनी ही पड़ी। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 260 वार्ड बॉयज लगे हुए हैं। सुरक्षा से लेकर डॉक्टरों की मदद करने तक इन सभी की तैनाती की गई है और 260 वार्ड बॉयज एक साथ 2 दिन की हड़ताल पर थे। कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर उनको वेतन नहीं मिला तो वो अपनी हड़ताल ऐसे ही जारी रखेंगे। सर, हम कल से बैठे हैं। हमारी जो मांग है सर, मेन जो मांग है हमारी, 3 मंजिल की जो सैलरी रुकी हुई है सर, उसकी हमारी मांग है। हमने आपसे पहले मेडिकल प्रशासन को कई बार लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं होती है सर। एमएस बोल देती है कि डायरेक्टर के पास जाओ, डायरेक्टर बोल देती है कि अकाउंटेंट के पास जाओ, अकाउंटेंट कह देता है कि भाई डायरेक्टर करेगा जो तुम्हारा जो भी कुछ करेगा सोल्यूशन। सर, हम कहाँ जाएं, हमें समझ ही नहीं आ रहा सर। हमने मजबूरन हड़ताल, हमने खुद श्रम आते हैं ऐसे बार बार वादा बनाया कर, लेकिन हम मजबूरन से हमें बैठना पड़ा यहाँ और यहाँ इतना शोषण किसी बाहर कहीं मेडिकल कॉलेज में और भी देख सकते हैं। सोनीपत में, वहाँ रोहतक में भी कहीं ऐसा शोषण नहीं होगा। यहाँ कंपनी आई चली गई और यहाँ तक कि पैसा खाती चली गई, और हम कर्मचारी बोलते हैं तो फिर मेडिकल प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा। यहाँ तक कि हम भुगत चुके हैं और अब हमने यहाँ 3 महीने सैलरी हमारी कट चुकी है। पिछली कंपनी ऑस्कर थी, वो हमारी 2 महीने की सैलरी लेकर चली गई है और उसके पास हमारा एरियर है, दिसंबर और जनवरी की वो सैलरी हमारी। और अब हमने डायरेक्टर साहब को बार बार बोला इस चीज के बारे में कि सर हमारी सैलरी दिला दो हमें। हमारे घर में नाच भी ना जी, और मैं तो विधवा हूँ, मेरा आदमी भी ना, और बच्चे को ना एडमिशन हुए, ना नाच, ना कुछ, किराए के लिए पैसे भी नहीं है। 3 महीना हो गए सैलरी भी नहीं मिली। क्या चाहते हैं आप लोग? हमें सैलरी जी, हमारा वो दिलना चाहिए सब कुछ। अधिकारी कर्मचारियों से बात की है? सबसे कर लीजिए बात, सीएम में विंडो पर डाल दी, सबसे बात कर ली, कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इस मुद्दे पर क्या काम करता है। सत्य खबर के लिए नुहू मेवात से एके बघेल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।